हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिग आयरन के बारे में। पिग आयरन क्या होता है तथा पिग आयरन कैसे बनाते हैं, यानी इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हमको स्टील बनाना है, तो स्टील बनाने के लिए हमको आयरन ओर की जरूरत पड़ती है। और आयरन ओर के रूप में हम लोग कौन कौन सा आयरन ओर इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सेडेराइट। अब हम इसमें मैग्नेटाइट में फेरस की जो क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, 72% होती है। और जो हेमेटाइट जो होती है उसमें थोड़ी उसकी क्वांटिटी फेरस की मात्रा कम होती है। बट हम लोग स्टील बनाने के लिए हेमेटाइट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइट का जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी कठिन होता है। तो हम लोग हेमेटाइट आयरन ओर के रूप में लेते हैं। अब वो आयरन ओर में क्या होता है, 65 से लेकर 70% तक कार्बन होता है, तो उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो पिग आयरन क्या होता है कि पिग आयरन कार्बन को रिड्यूस करके, ठीक है, फेरस की मात्रा को बढ़ाना ही एक पिग आयरन का एक रूप होता है। अगर बोला जाए तो अब पिग आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो वो 4 से 5% होती है, ठीक है। और कास्ट आयरन में कितनी होती है, तो 1.7 से 4.5% होती है। अब हम पिग आयरन के बारे में समझते हैं कि पिग आयरन से स्टील कैसे बनता है या फिर पिग आयरन का मतलब क्या होता है। देखिए, पिग आयरन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन और कुकिंग कोल, लाइम स्टोन को क्या कहता है, ऐड किया जाता है। और उसको ब्लास्ट फर्नेस, देखिए पिग आयरन बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। और उसको डालने के बाद में यहाँ पे हॉट एयर ब्लास्ट किया जाता है, यहाँ पे हॉट गैसेस यहाँ से भेजी जाती है, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड में हॉट एयर ब्लास्ट किया जाता है। यहाँ पे जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जान लेते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें जो सबसे वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है, इसका जो डाया बोला जाए तो ये डाया है 9 मीटर, और इसकी जो टोटल हाइट होती है वो होती है 30 मीटर। अब जो आयरन ओर और कोक और लाइम स्टोन का जो मिक्सचर है, यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं, इसको यहाँ से यानी टॉप से यहाँ से बेल नुमा यहाँ पे एक संरचना बनी होती है, यहाँ से इसमें डालना जाता है। बेल नुमा बनाने का क्या मतलब है, क्यों बेल नुमा बनाया जाता है, खुला में क्यों नहीं हम लोग इसमें भेज रहे हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट फर्नेस में जब प्रोसेस होता है तो ब्लास्ट फर्नेस गैस बनती है, ये गैस सीधे बाहर ना निकल जाए इसके लिए यहाँ पे बेल नुमा बनाया जाता है, बेल के आकार का। यहाँ से जो वेस्ट गैसेस होती हैं, ये हॉट वेस्ट गैसेस यहाँ से निकलती हैं। अब देखिए, यहाँ पे टोटल आपको जब मेल्टिंग होता है तो जो स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो सबसे नीचे होता है, ठीक है, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, ये अपर पार्ट। जो अपर पार्ट है उसका जो टेम्परेचर होता है, देखिए यहाँ पे अपर पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अपर पार्ट का जो टेम्परेचर होता है वो 400 से 700 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जो लोअर पार्ट होता है जो 700, उसका टेम्परेचर होता है 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस। और जो बोस एरिया होता है उसका टेम्परेचर 1000 से 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ आयरन ओर, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को फेरस के साथ जब क्रिया करता है तो 2Fe बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब फिर वहाँ पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ क्रिया करके यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पे लाइम स्टोन, देखिए लाइम स्टोन का डालने का क्या मतलब होता है, क्यों हम लोग लाइम स्टोन डालते हैं, देखिए जब स्टील में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि जल्दी मेल्ट नहीं होता है, तो उन मटेरियल के साथ लाइम स्टोन जो है क्रिया करके उनको मेल्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें जो स्लैग्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जैसे ये मेल्ट हुआ है तो इसमें जो ये जो है ब्लैक दिख रहा है, ये मोल्टन स्लैग है, ये ऊपर आ जाता है, और प्योर जो मोल्टन मेटल होता है ये नीचे आ जाता है। तो इसको इधर से टैप करके और लैडर में भर लिया जाता है, और जो स्लैग है इसको अलग लैडर में भर लिया जाता है। तो ये है ब्लास्ट फर्नेस का प्रोसेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या है, आयरन और आपको पता है आयरन ओर में 70% कार्ब वो Fe होता है। अब ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस होने के बाद में जो मेल्टिंग आयरन निकल रहा है वो पिग आयरन कहलाएगा।
वो पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी रहेगी, 4.5 से मतलब 4 से 5%, मोटा मोटी समझ लीजिए। यहाँ पे अगर क्लियर देखना चाहते हैं तो 3.8 यानी 4 से लेके 5% तक इसमें पिग आयरन में मीन्स Fe होता है, और कार्बन परसेंटेज 4 से 5%, सॉरी इसमें 3 4 से 5% कार्बन होता है, और बाकी आप मोटा मोटी समझे तो 92 से 93% इसमें Fe होता है, और बाकी अदर मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब ये पिग आयरन को कास्ट आयरन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। अब कास्ट आयरन में क्या होता है, उसको मेल्ट करके वापस और रिडक्शन किया जाता है, और Fe की मात्रा और बढ़ाई जाती है, और उसमें कार्बन की मात्रा उस समय होती है 1.7 से 4.5% होता है, और कास्ट आयरन क्यूपोला में प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ ब्लास्ट फर्नेस के बारे में। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में क्वेश्चन आता है, कौन सा ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनाते हैं, तो पिग आयरन बनाते हैं। पिग आयरन अब इसमें पूछता है कि जो पिग आयरन है उसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, तो 3.8 से 4.7%, या फिर मोटा मोटी 4 से 5% भी लिख सकते हैं। और इसमें ब्लास्ट फर्नेस वाले पूछता है कि इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट आराम से आप लिख सकते हैं 30 मीटर, और इसका जो मैक्सिमम डाया होता है वो होता है 9 मीटर। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, लोअर, अपर और मिडिल। तो इसका टेम्परेचर पूछता है, तो मिडिल का टेम्परेचर मैंने बताया 800 से 1200 होता है, और नीचे का 1200 से 1600 होता है, ऊपर से 400 से 800 होता है। ठीक है, इसका रिडक्शन प्रोसेस का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको पिग आयरन के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।